एडिशनल सेशंस जज कृष्णकांत की पत्नी बेटा हत्याकांड मामले में आया नया मोड़। हिरासत में लिए गए आरोपी महिपाल की मां और एक अन्य करीबी। मामले की एसआईटी द्वारा जांच कराई जाएगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर आज मंथन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेल और गैस क्षेत्र की भारत समेत दुनिया की कंपनियों के सीईओ के साथ ताजा हालात पर तथा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पड़ने वाले असर पर होगी चर्चा। पेट्रोल में बढ़ोतरी से मिली राहत, लेकिन डीजल के दाम बढ़े। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82.72 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 8 पैसे महंगा होकर 75.46 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। 24 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में आर्मी कोर्ट ने एक मेजर जनरल समेत 7 सैन्य कर्मियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। बता दें कि ये सभी आरोपी असम के तिनसुकिया जिले में फरवरी 1994 में हुई फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे। सपाट शुरुआत के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 3 अंकों की गिरावट के साथ 34,729 के स्तर पर, तो वहीं निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 10,446 के स्तर पर कर रहे हैं कारोबार।